तो स्वागत है भाई सभी का नए दिन नए ब्लॉग में। और अभी अपना थोड़ा तैयार हो गए, उससे पहले जिम गए थे और अब यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। आज अपना जॉब फेयर होने वाला है, मतलब लगेगा यूनिवर्सिटी में। उसकी कुछ तैयारी भी चल रही थी, बट आज फर्स्ट डे है तो आज जाते हैं और जो अपना जॉब फेयर है वो देखते हैं, दिखाते हैं और भाई एक्सप्लोर करते हैं कि क्या सिस्टम चल रहा है, और चलते हैं यूनिवर्सिटी। तो नीचे तो आ गए और चलते हैं भाई। पहले तो अपनी अपार्टमेंट की बिल्डिंग से बाहर, ये देखो बढ़िया मौसम होता हुआ। और अभी आगे चलते हैं अपना ब्रिज पे। तो अपना ब्रिज पे पहुंच चुके हैं, अपनी उस पार यूनिवर्सिटी है वो दिख रहा होगा यहाँ पे, बिल्डिंग 42। और आई थिंक यहीं पे ही है, थोड़ी सी टेंट की झलक भी दिख रही है वैसे सामने। और ये चलते हैं आगे। तो ये देखो अपना मेंसा के पास तो आ गए, और राइट हैंड साइड पे अपनी बिल्डिंग 42 है। तो इधर देखो, यहाँ से सामने का एकदम व्यू दिखाते हैं अपने जॉब फेयर का। ये देखो, ये अपनी एंट्री पॉइंट है यहाँ पे, बढ़िया। और अभी थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ये देखो। और अभी आप अंदर जाके देखेंगे और दिखाते भी। तो वैसे तो इधर खड़े हुए पर भाई सामने देखो क्या मस्त चीज़ एक दिख रही है। वो देखो भाई क्या मस्त लेन दिखता हुआ बादलों के बीच, बढ़िया। और यहाँ अगर सामने देखे ना तो देखो यहाँ पे भी बॉन्डिंग का एक कैफ़े बना हुआ है, खाने पीने के आइटम मिल सकते हैं यहाँ। अरे यहाँ हमारा मुंशीर भाई रैंडमली हमें दिख चुका है, बढ़िया। क्या क्या हाल चाल? तो भाई मुंशीर से तो मुलाकात हुआ, लेकिन अब अंदर चलते हैं और दिखाते हैं क्या मामला है, और ख़ुद भी देखते हैं यार ज़रा। ये देखो, पहले तो भाई बढ़िया लग रहा है यहाँ अपना बिल्डिंग 42 पे, यहाँ पे अपनी एंट्री जॉब फेयर की 2023 की। तो चलते हैं। तो ये देखो भाई, यहाँ से एंट्री करके आए हैं और यहाँ अपना बॉन्डिंग का पहले इन्फॉर्मेशन सेंटर और अलग अलग कंपनीज के स्टॉल्स देख सकते हैं भाई। ये देखो हर तरफ यहाँ पे पूरा। तो भाई हम भी जाते हैं और थोड़ा पहले इन्फॉर्मेशन पता कर लेते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं और ट्राई करेंगे और झलक दिखाने का भी। तो हमारा मुंशी यहाँ कुछ क्वेरी कर रहा है, अलग अलग चीज़ें यहाँ रखी हैं जो ले सकते हैं, जैसे अभी हमने पॉलीथिन उठाया। तो देखो भाई यहाँ ऐसे कंपनीज हैं अलग अलग। तो मुंशी कैसा लग रहा है कंपनी फेयर में? क्यों पहली बार जब आया था लास्ट सेमेस्टर में तो बहुत अच्छा था, ये मिल रहा है वो मिल रहा है। हाँ, ये पूछ रहा हूँ। हाँ, तो पता चल गया किसी को जर्मन C1 नहीं चाहिए तो टाटा भाई। हाँ, पर अलग अलग कंपनीज एक्सप्लोर तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं। और अभी सच का पता चल रहा है कि क्या किससे चाहिए क्या चाहिए। हाँ, ये बूढ़ी बैग भी मिल रहा है, बबल गम दिखाइयो दिखाइयो। हाँ चल सही है, मेरे को ये मिला, मैं सोच रहा हूँ मैं इसमें VRS करूंगा, बहुत कुछ करने को मिला। चल सही है, फायदा तो हुआ। तो ये देखो भाई, ऐसे अलग अलग कंपनीज के स्टॉल्स लगे रहते हैं यहाँ पे, लोग दिख सकते हैं। तो भाई यहाँ हमारे, ये देखो अंदर भी लगा। मुंशी एक थोड़ा अच्छा सा पोज तो दे दे, ऐसे एक पोज दे दे फोटो के लिए। हाँ बस बढ़िया, ये देखो ये अपना पोज दे रहा है। और यहाँ भी भाई हमारे स्टॉल्स हैं अलग अलग। तो भाई कंपनी फेयर के बाद अभी थोड़ा बात करते हैं, क्लास के अंदर आ गए, अपना लेक्चर है अभी तो वहाँ आ गए भाई। तो भाई ये लेक्चर तो अपना ख़त्म हो गया और देखो बाहर आ गए, ये पूरा इवेंट चल रहा है यहाँ पे। हमारे मुंशी भाई भी पैकेज उठा के आए और हम भी यहाँ भाई अब चलते हैं थोड़ा रूम पे। तो आई होप झलक देखी होगी, अपने अलग अलग कंपनीज के बूथ्स थे और अब सबका प्रमोशन था, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स थे, इन्फॉर्मेशन थी, जाके पूछ सकते हो किस टाइप की कंपनी है, क्या जॉब्स ऑफर करते हैं। तो उस टाइप का फेयर। अभी थोड़ा लंच का समय हो रहा है तो हम रूम पे आ गए क्योंकि थोड़ी भूख तो लग रही। तो अपना खाना तो रेडी है भाई, चने और टोटीला, तो इसे खाते हैं भाई और फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं और फिर बात करते हैं। तो अपना खाना खा के और थोड़ा रेस्ट करके अब चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। तो इधर देखो भाई, ब्रिज से क्या बढ़िया एकदम सूरज की चमक इस समय दिखती हुई। और अब अपना चलते हैं यूनिवर्सिटी में, देखो क्या बढ़िया सनलाइट पड़ रही है यार, चलो। तो ये देखो भाई, अगर कंपनी फेयर की झलक दिखाई जाए तो यहाँ बॉश का दिख सकता है बूथ, राइट उसके आगे। जैसे यहाँ पे देखो P3 का, फिर अलग अलग कंपनीज़ के ऐसे बूथ होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स को देख सकते हो जाके अपनी क्वेरी पूछ रहे हैं, कुछ सामान रखा रहता है। और भाई जैसे यहाँ पे भी बॉन्डिंग का बूथ है तो यहाँ आ सकते हो, या देखो इस साइड भी आगे जा सकते हो। तो ये भाई एक तरीके का ओवरव्यू है यहाँ का, ऐसे अलग अलग कंपनीज़ के बूथ लगे रहते हैं। तो अपना जो फेयर है जहाँ पे अंदर कंपनीज़ के बूथ्स हैं, वहाँ भी गया था मैं, थोड़ा कि सोचा थोड़ा भी और झलक दिखा देते हैं एक बार। अभी अपनी ना प्रोजेक्ट मीटिंग है तो वहाँ चलते हैं और फेयर के रिगार्डिंग, आज के रिगार्डिंग थोड़ा बात करते हैं। तो देखो यहाँ से आगे, यहाँ पे भी अपना एक टेंट दिख रहा होगा जो मैंने सुबह भी दिखाया था, पर अपने को भी बिल्डिंग 46 जाना है भाई। तो भाई बिल्डिंग 46 के अंदर तो आ गए हम, थोड़ा अपनी यहाँ पे मीटिंग कर लेते हैं और फिर बात करते हैं। तो अपना बिल्डिंग 46 के बाहर आए हैं, ज़रा पहले यहाँ देखो भाई मौसम दिखाते हैं।
ये देखो भाई, बढ़िया अभी मौसम का मंजर होता हुआ। हालांकि अपनी प्रोजेक्ट मीटिंग है तो मैंने सोचा अभी जो थोड़ा सा समय है इसमें आज के बारे में बात कर लेते हैं, जो समझ आया जो दिखा। तो जैसा कि देखा होगा आज कंपनी फेयर का शुरुआत हुआ अपना, जो अलग अलग जगह कंपनीज़ के स्टॉल्स थे, बूथ्स थे, वहाँ जा सकते हो। अलग अलग ऑफरिंग्स होती हैं जो वो रखते हैं सामने। जैसे आप जाओ, आप पहले क्वेरीज पूछ सकते हो अपनी जाके, किस टाइप की जॉब्स अवेलेबल हैं, फुल टाइम है। जैसे एक जगह था कि भाई इंटर्नशिप ही है हमारे यहाँ इंग्लिश में, हमारे यहाँ आईटी फील्ड में, डेवलपमेंट में सिर्फ इंटर्नशिप्स हैं, या अगर स्टूडेंट जॉब की बात करें तो स्टूडेंट जॉब्स हमारे किस किस फील्ड में हैं, और जर्मन लेवल क्या चाहिए। जैसे कुछ मुंसीर का बीच में क्लिप देखा होगा तो मुंसीर यही बोला, क्योंकि कुछ जगह बोला कि यार हमें ना ऐसा कुछ जगह सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बट आपका कंपनी में बोलचाल होनी चाहिए। जैसे कभी कभार हम लंच पे गए तो हम जर्मन में बात करते हैं, तो हमें हो सकता है आपको, हम रफली मांगते हैं कि हमें C1 लेवल हो। तो ये एक दो कंपनीज ने बोला, एक ने ये भी कहा कि B1 या B2 से मिनिमम इतना तो होना चाहिए, बाकी आप हमें अपना प्रोफाइल भेजो, प्रोफाइल में हम देखते हैं। कभी कभार क्या होता है कि कुछ इंटरव्यूज़ हैं, तो जैसे इंटरव्यू हम लेंगे तो डॉक्यूमेंट्स आप इंग्लिश में भी भेज सकते हो और फिर हम आपको बताएंगे। तो वो अपनी डिटेल्स बताते हैं। वन ऑफ द कंपनी जो थी उसने ना एक कार्ड में हमसे हमारा नाम, डिटेल, स्टूडेंट और हमारा करंट लेवल क्या है जर्मन में, वो मांगा, और उन्होंने कहा कि ये हमें सबमिट कर दो और साइन कर दो, और ये एक तरीके से हो गया कि तुम आके हमें कॉन्टैक्ट किए हो। अब जब तुम हमारे करियर पोर्टल में जाके अप्लाई करोगे तो हमें पता लग जाएगा कि तुमने यहाँ से भी हमें कॉन्टैक्ट करने की ट्राई की है, तो ऐसा ऑप्शन भी रहता है, तो ऐसे भी मतलब बात कर सकते हो। बाकी अप्लाई तो देखो पोर्टल में जाके वो अपनी वेबसाइट बताते हैं, वहाँ अप्लाई करना होता है, तो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता लगी। थोड़ा मैंने इसलिए सोचा कि थोड़ा झलक दिखाऊं, तो आई होप थोड़ा झलक देख के आइडिया लगा होगा। जब मैं आया था तो मैं इसलिए भी सोचा कि एक बार झलक दिखाता हुआ आता हूँ बिल्डिंग में। तो ऐसे अलग अलग बूथ्स रहते हैं, वहाँ जाओ और अपने क्वेरीज पूछ लो, और उसके बाद बाकी कुछ ऑफरिंग्स होती तो वो कहते हैं कि आपको कुछ लेना है, या अगर आपको मतलब अपने हिसाब से आइटम ले लो। वैसे तो ट्राई करते हो जितना आपको दे पाए, या कभी कभी बैग दे देते हैं। तो जैसे बॉन्डिंग में गए थे तो उन्होंने एक बैग दे दिया कि हाँ, एक चीज़ और, आज जैसे शुरुआत हुई तो हमने बॉन्डिंग का जो इन्फॉर्मेशन काउंटर था उसमें यही पूछा कि कोई ऐसा बुकलेट मिल जाएगा जिसमें हमें पता हो कि भाई इस कंपनी, ये कंपनी इस दिन आ रही, ये कंपनी इस दिन आ रही। तो उन्होंने कहा कि ये वेबसाइट पे देख लो, क्योंकि हम ज़्यादा पेपर यूसेज नहीं करना चाह रहे, थोड़ा एनवायरमेंटल इशू के भी कारण, तो हम बुकलेट्स पे इतना नहीं है, हम ऑनलाइन PDFs पे हमने ये चीज़ मेंशन कर रखी है, तो वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कौन सी कंपनी कौन से दिन आ रही है। हालांकि आज फेयर की शुरुआत हुई है, आई होप थोड़ा आइडिया लगा होगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता लगी होगी हमारे साथ। और अब हमें भी प्रोजेक्ट मीटिंग में जाना है, और जॉब फेयर की शुरुआत हुई है, और यही था आज के व्लॉग के लिए, आज के दिन के लिए। दिन का तो अंत अभी होगा, अभी हमारी मीटिंग, उसके बाद फिर अपना रूम पे जाएंगे, और व्लॉग का भी अंत करते हैं। बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। बाय बाय, चाओ चाओ, नमस्ते, और ट्राई करेंगे कि अपना क्योंकि अभी फेयर और दिन है तो अलग पार्ट में, और थोड़ा दिखाएंगे कि कौन सी कंपनी किस टाइप की आई है और क्या सिस्टम चल रहा है उस दिन, और फिर बात करेंगे। बाय बाय, चाओ चाओ, नमस्ते, चलो।